ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. एज यू नो दैट हम आपका आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को, कोई भी आपका इरेशनल नंबर होता है तो उसको हम कैसे करके प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है या नहीं. ठीक है, कि हम इरेशनल का प्रूफ सीखेंगे आज, कि इरेशनल कोई नंबर है कि नहीं, इसको कैसे सीखेंगे. लाइक वी हैव अ नंबर रूट टू, अंडर रूट टू. ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है या नहीं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, अंडर रूट टू को इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं. अपोजिट कैसे लेंगे हम इसको, हम बोलेंगे कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर. ये स्टेप्स ध्यान रखना कि हम करेंगे लेट अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, अब हमने इसको रूट टू का रेशनल नंबर ले लिए हैं, तो मींस हमको पता है रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है. तो मींस हम ये ले सकते हैं कि अंडर रूट टू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू. और इसमें एक और चीज़ लिखना है कि वेयर पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर वन, कि P और Q में कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, वो वन होना चाहिए. ठीक है, ध्यान रखना है वन कॉमन फैक्टर. लाइक कैसे, जैसे मैंने 2/3 लिखा, तो 2/3 में कॉमन फैक्टर जो होगा दोनों का वो क्या होगा, वन होगा, कि वन से दोनों टेबल जाएंगे दोनों में, बाकी होंगे नहीं इसके. तो आपका पी अपॉन क्यू, मतलब अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उसमें हर समय ये कंडीशन जरूर होती है कि उसका जो पी अपॉन क्यू होगा उसमें कॉमन फैक्टर वन ही होना चाहिए. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वन होना चाहिए मैंने आपका, ध्यान रखना. ठीक है, जो उसका सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होगी उसमें कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए. ठीक, तो हमने इसको ये मान लिया है कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा. इतना करने के बाद हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड. ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि क्योंकि जो पी स्क्वायर है वो 2 क्यू स्क्वायर के बराबर दिख रहा है आपको ये, तो मींस इसको ये भी लिख सकते हैं हम कि जो आपका पी स्क्वायर है ये 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 को इधर जाएंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. जब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो पी को भी लिखेंगे हम, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. ठीक है, अब जब दोनों के दोनों पी 2 से डिवाइड हो गए तो इसको लिख सकते हैं हम कि पी जो है वो 2m के फॉर्म में होगा, मतलब 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, तभी ये हो सकता है. ठीक है, 2 के मल्टीपल होंगे, इसको अब क्या कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर बोथ साइड. ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो बन जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर. ठीक, अब इस 2 को इधर डालेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर बन गया आपका. तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, फिर से जो सिंगल बचेगा, ये क्यू स्क्वायर सिंगल बचा तो मतलब क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन निकल रही है कि पी भी 2 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी डिवाइड हो रहा है 2 से. बट हमने जो ऊपर लिया था, हमने लिखा था पी और क्यू में कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, बट यहाँ जो निकल रहा है 1 के अलावा 2 भी क्या हो रहा है, इसका एक और कॉमन फैक्टर निकल रहा है. तो इसको 1 बोल देना, इसे 2 बोल देना. तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, सो इसमें हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से क्या निकल गया, पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 2. किसका क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है. ठीक है, जो हमारी सपोजिशन को कंट्रडिक्ट कर रहा है, विच कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन.
ठीक है, तो लिख देंगे हैंस रूट टू इज रेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा आपका रूट टू इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ढंग से समझना है इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कोई भी रूट नंबर होगा, कोई भी रूट टू की जगह रूट थ्री भी हो सकता है, रूट फाइव भी हो सकता है, रूट सेवन हो सकता है, कुछ भी जो भी होगा पहले उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। पहला स्टेप, रेशनल नंबर मानने के बाद उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रखेंगे और ये लाइन जरूर लिखना है कि विच हैव अ कॉमन फैक्टर वन। ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद यहाँ रूट हट जाएगा, टू बन जाएगा, जैसे थ्री होगा रूट थ्री होगा तो थ्री बन जाएगा, जो भी होगा उस टाइम बनेगा। फिर इस नीचे वाले को उधर जा लेना है, जो सिंगल बचेगा उसको क्या लिखना है आपको कि वो इस टू से डिवाइड होगा, जो यहाँ आएगा उससे डिवाइड होगा, तो वो सिंगल पी बी क्यू से टू से डिवाइड हो जाएगा, इसे इक्वेशन वन बोल देना है। अब क्योंकि पी टू से डिवाइड हो रहा है तो पी को हम कह सकते हैं टू एम के फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब टू के मल्टीपल के फॉर्म में, तभी तो टू से डिवाइड होगा। सेम अगर कोई थ्री से हो रहा होगा तो थ्री एम का फॉर्म, फिर बोथ साइड स्क्वायर करो और उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर रख देना है, वहाँ पर रखेंगे तो आपका ये बनेगा इस तरीके से बन जाएगा। फिर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेम इस तरह का बन गया, देखो ये सेम ये बन गया, तो क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर डिविजल बाई टू, तो क्यू भी क्या होगा टू से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इन दोनों को बोलेंगे वन इन टू, तो फ्रॉम वन इन टू हम बोल सकते हैं कि दोनों के कॉमन फैक्टर क्या रहा, टू आ रहा है, तो जो कि हमारा क्या है सब जो हमने सपोजिशन किया था कि वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए उसको रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या रूट टू क्या होगा इरेशनल नंबर हो गया, रूट थ्री इरेशनल हो गया, जो भी होगा इरेशनल नंबर होगा। ठीक, अब इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट आता है आपका, इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आता है कि बोलते हैं कि देखो एक तो सिंगल रूट वैल्यू होती है उसको इरेशनल फाउंड करना आपको, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका रूट टू के साथ कुछ और चीज़ भी हो, रूट टू प्लस वन हो, ठीक है, रूट टू अपॉन थ्री हो, कुछ भी हो रूट के साथ, वन अपॉन रूट टू इंटू थ्री हो, थ्री अपॉन रूट टू हो, मतलब थर्टीन अपॉन रूट थ्री हो गया, मीन्स कुछ